पंजाब पुलिस एक बार मुड़ चर्चा च है। जलंधर दे विच एक ASI दी गुंडागर्दी सामने आई है। ASI ने एक महिला नूं थप्पड़ जड़ दिता, जिसकी एक वीडियो सोशल मीडिया ते खूब वायरल हो रही है। दरअसल कमिश्नरेट पुलिस अधीन पैंदे थाना मॉडल टाउन डिवीजन नंबर 6 दी बस अड्डा चौकी अंदर कानून दे राखे एक ASI दे वल्लों शरेआम कानून दीआं धज्जियां उड़ाउंदिआं पैसे चोरी करन दे मामले दे विच फड़ी औरत नूं थप्पड़ मारन दा मामला सामने आया है, जिसनूं लैके ACP मॉडल टाउन हरिंदर सिंह गिल ने कहा कि औरत नूं थप्पड़ मारन वाले ASI ते विभागी कार्रवाई करन दे लई रिपोर्ट बना के भेजी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वीडियो कित्थों दी है, इस बारे भी अजे कुछ पता नहीं चल सकिया है। फिलहाल इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया ते खूब वायरल हो रही है। चौकी इंचार्ज ने SHO नूं हिदायत की है कि पता कराओ भी ASI कौन हैगा, जो भी दोषी होया जां इहो जिहा काम कीता उहदे खिलाफ कार्रवाई की जाए। हुण ये तो जदों इनकुआरी होएगी, तफ्तीश होएगी, उस पता लगेगा कि सबसे चांसिस की होए ने। कोई साडी भी वीडियो है जां कोई बाहर वाली है, पता लगेगा जदों उन्होंने ब्रीफ आपा कीता। पाकिस्तान ने सिख श्रद्धालुओं को अगले महीने तो करतारपुर विच गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन करने की प्रवानगी देने का फैसला किया है। 22 सितंबर को सिख धर्म के बानी श्री गुरु नानक देव जी के ज्योति जोत दिवस है, जिसके मद्देनज़र नैशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने करतारपुर का गुरुद्वारा खोलने का फैसला किया है। जॉन अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि NCOC की मीटिंग के सिख श्रद्धालुओं को सख्त कोरोना नियमों तहत अगले महीने तो करतारपुर की यात्रा के लिए प्रवानगी देने की सर्बसम्मति नाल फैसला लिया गया है। अगली खबर बठिंडा तो है, जिथे मीह तो बाद जलथल हो गया है। सड़कां तलाब बन चुकियां ने, उत्थे डिप्टी मेयर दी गड्डी भी पानी दे विच डुब चुकी है। बठिंडा पानी पानी हो चुका है। सीवरेज प्रबंधां दी पोल तक खुल चुकी है। अकाली ते कांग्रेस दोनों सरकारां दे दावेयां दी पोल उदों खुलदी विखाई दित्ती जदों सियासी पार्टियां दा कैलिफोर्निया पानी विच रुड़ गया। मीह कारण जिथे आम लोकां नूं भारी परेशानी दा सामना करना पिया, उत्थे लोक नगर निगम दे माड़े प्रबंधां नूं भी कोसदे विखाई दित्ते। चंडीगढ़ च किसानां ते पंजाब सरकार विचकार गन्ने दी कीमत नूं लैके मीटिंग होई। गन्ना काश्तकारां ते पंजाब सरकार दी बैठक बेसट्टा रही है। किसान आगुआं दा कहना है कि अंदोलन जारी रहेगा, रेलवे ट्रैक ते रोड जाम रहणगे। सूत्रां दे मुताबिक पंजाब सरकार ते किसानां विचाले गन्ने दी लागत मुल नूं लैके काफ़ी देर तक चर्चा हुंदी रही। किसान दावा कर रहे सन कि गन्ने दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 385 रुपए प्रति क्वांटल के हिसाब नाल पै रही है, जबकि सरकार ये मान गई सी कि 350 रुपए प्रति क्वांटल की लागत पै सकती है। काफी देर तक चली मीटिंग दौरान किसान अड़े रहे कि गन्ने का भाव 400 रुपए प्रति क्वांटल किया जाए। कोई हल ना निकलता वेख मीटिंग नूं खत्म कर दिता गया। दस दिए कि किसानां ते सरकार की हुण अगली मीटिंग कल यानी सोमवार दोपहर 3:30 बजे रखी गई है। गन्ना विभाग के माहिर किसानां नाल मीटिंग करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रखड़ी मौके शुभकामनावां दित्तियां ने। प्रधानमंत्री ने एतवार को एक ट्विटर संदेश विच कहा कि सारे देशवासियों को रखड़ी के पवित्र त्यौहार दीयां ढेर सारियां शुभकामनावां। भैन भरा दे प्यार दे प्रतीक रखड़ी के त्यौहार को देश भर दे विच अज धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। इस दिन भैन अपनी भरावां दे गुट ते रखिया सूरत यानी कि रखड़ी बन्नदियां ने अते भरा उन्हां दी रखिया दा वचन दिंदे ने। उधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भैन भरा के प्यार और अटुट रिश्ते के प्रतीक रखड़ी के देशवासियों को बधाई दी है। कोविंद ने एतवार को ट्वीट करके कहा कि सारे देशवासियों को रखड़ी की बधाई। ये त्यौहार प्यार, स्नेह और भरोसे का प्रतीक है। उन्होंने अगे कहा कि आओ असी एक अजिहे सुमेल वाले समाज का निर्माण का संकल्प लईए, जिथे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को वध महत्व दिता जाए और वो अपनी इच्छाओं को आज़ादी के नाल पूरा कर सकदियां ने।